हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिंग स्पार्कल में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूट के नेक के डिज़ाइंस, जिसमें जो है पोटली के बटन्स के साथ बनाए गए हैं। ये सारे नेक डिज़ाइंस पोटली बटन के नेक डिज़ाइंस हैं। सूट के नेक डिज़ाइंस जो है बहुत तरीके के आप बना सकते हैं, बटन्स यूज़ करके, डोरीज यूज़ करके, या फिर पैचवर्क यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे डिज़ाइंस लाई हूँ जो कि पोटली बटन्स यूज़ करके ही बनाए गए हैं। अगर आपको बटन्स और डोरीज यूज़ करके नेक डिज़ाइंस चाहिए तो उसके लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ देती हूँ। उसके वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इसमें हम फोकस करेंगे सिर्फ पोटली बटन्स पे। पोटली बटन्स जो होते हैं वो जो है फैब्रिक बटन्स भी आप इसे कह सकते हैं। फैब्रिक को एक पोटली की तरह बना के उसमें से बटन का जो है शेप दिया जाता है। ये एक्चुअली में क्लोजर बटन्स नहीं होते हैं, सिर्फ फैंसी टाइप दिखने वाले बटन्स होते हैं, जिसमें ज़्यादा आप क्लोज ओपन करने के बारे में ध्यान नहीं दे सकते। ये सिर्फ एक फैंसी बटन्स होते हैं जो एक कॉन्ट्रास्ट लुक दे सकते हैं आपकी कुर्ती को। आप अगर इस बटन्स को जो है घर पे ही इस डिज़ाइन को सिलाना चाहती हैं तो फिर आसानी से सिला सकती हैं। पोटली आप बना सकती हैं थर्मोकोल बॉल्स की मदद से। थर्मोकोल बॉल जो है आप फैब्रिक के अंदर डालें और डोरी को जो है उसके थ्रेड से उसको घुमा के आप पोटली बना सकती हैं। या फिर आप मार्केट में जो है पोटली बटन की लेस भी मिलती हैं, आप उसका भी यूज़ करके इस तरीके की जो है पोटली के बटन के नेक लाइन जो है तैयार कर सकती हैं। इस वीडियो में बहुत सारे डिज़ाइंस मैं लेके आई हूँ आपके लिए। इस तरीके का पीटर पैन कॉलर नेक लाइन डिज़ाइन भी आप ट्राई कर सकती हैं, या फिर इस तरीके का पैचवर्क नेक डिज़ाइन जो है वो भी आप ट्राई कर सकती हैं। बहुत अच्छा। अगर आप हाफ कॉलर नेक लाइन से लाना चाहती हैं उसके साथ भी आप इस तरीके के पोटली बटन्स जो है अटैच करके एक कॉन्ट्रास्ट सा पॉप ऑफ कलर दे सकती हैं, या फिर इस तरीके का जो है हाफ कॉलर में बटन जो है मिडिल में डाल के भी आप कर सकती हैं, या फिर पैचवर्क इस तरीके का डाल के उस पर भी कॉन्ट्रास्ट का बटन लगा सकती हैं। इस तरीके से चाइनीज कॉलर में भी आप पोटली के बटन जो है अटैच कर सकती हैं, या फिर इस तरह से बहुत ही डिफरेंट सा स्टाइलिश सा नेक भी आप नेक डिज़ाइन भी तैयार कर सकती हैं पोटली बटन्स के हेल्प के साथ। इस तरीके के सारे नेकलाइंस जो है दोस्तों बहुत स्टाइलिश लगेंगे। और लेकिन ये ओवर द टॉप नेकलाइंस भी नहीं है, ये आप नेकलाइंस जो है हाँ वर्क के लिए पहन सकती हैं, या फिर अगर आप डेली वेयर के लिए पहनना चाहती हैं तो भी ये सारे नेकलाइंस जो है ईजीली फिट आ जाएंगे। बहुत अच्छे लगेंगे आपके वर्कवेयर सूट के साथ या फिर अपने कैशुअल सूट के साथ। अगर आप की नई नई शादी हुई है और आप कॉटन सूट्स पहनना चाहती हैं तो फिर इस तरीके की जो है नेकलाइंस आप ट्राई कर सकती हैं। कॉटन सूट्स के साथ अपने सिंपल कॉटन सूट्स को बहुत स्टाइलिश बना सकती हैं इन सारे नेकलाइंस से। पोटली बटन्स जो है बहुत ही फ्रेंडली लगते हैं, बहुत ही बनाना भी सिंपल होता है आपका। अगर आप स्टिचिंग जानती हैं तो इस तरीके के नेकलाइंस आप इजीली बना सकते हैं। इस तरीके का कोट का जिसे शेप देके आप प्लेन सूट सिलवा सकती हैं, कोट जैसा जो है लुक आके ओवर कोट की तरह पोटली बटन के साथ दे सकती हैं आप, या फिर सिंपल से गोल गले में भी इस तरीके का आप जो है पोटली बटन का एडिशन दे सकती हैं। इस तरीके का कटआउट्स भी आप ट्राई कर सकती हैं, बहुत ही ट्रेंडी लगेंगे ये सारे नेकलाइन डिज़ाइंस जो है आप कॉलेज के लिए भी पहन सकती हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो और आप सिंपल सूट्स पहनती हैं कॉलेज के लिए तो ये डिज़ाइंस ट्राई करें, बहुत ही स्टाइलिश लगेंगे और सिंपल भी लगेंगे और इजीली सिल भी जाएंगे। कोई भी टेलर आपको इजीली सिल के दे देगा अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है। इस डिज़ाइन इस वीडियो में से कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आए दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो है अपने टेलर को दिखा के इजीली आप इस डिज़ाइंस को तैयार करवा सकती हैं। प्लेन सूट्स अगर आप सिलवा रही हैं उसके साथ भी इस तरीके के पोटली के नेक डिज़ाइन पैटर्न्स जो है ट्राई कर सकती हैं आप। साइड में पोटली नेक पोटली के बटन्स ट्राई करें, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। या फिर सिंपल से जो है नॉर्मल लीफ शेप या फिर राउंड नेक लाइन जो आते हैं उसके साथ आप मिडल में पोटली के बटन्स के कॉन्ट्रास्ट बटन्स अटैच करके भी बहुत अच्छा सा ट्रेंडी सा लुक बना सकती हैं। या फिर इस तरीके की साइड पोटली बटन भी आप ट्राई कर सकती हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपको वो सारे पैटर्न्स अच्छे लगे दोस्तों। कुछ तो इस वीडियो के पैटर्न्स में से आपको पसंद आएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आइडियाज़ यूज़ करके इंस्पिरेशन लेके आप अपने अच्छे से सूट्स जो है डेली वेयर के लिए
ये सारे पोटली बटन्स के डिज़ाइन जो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो पाइपिंग के साथ भी आप ट्राई कर सकती हैं। पाइपिंग के मदद से पोटली बटन्स को और स्टाइलिश बना सकते हैं आप। ये सारे डिज़ाइन जो हैं आप जो है सलवार सूट के साथ ट्राई कर सकती हैं, चूड़ीदार सूट के साथ ट्राई कर सकती हैं, या फिर आप कुर्तीज़ के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप कोई कुर्ती सिलाना चाह रही हैं उसके साथ भी आप ट्राई करें। अगर आप पोटली बटन्स का जो है एडिशन स्लीव्स में देना चाहती हैं वो भी आप ट्राई कर सकती हैं। स्लीव्स और नेकलाइन में देखिए एक बैलेंस्ड वेल पुट टुगेदर लुक भी आप ट्राई तैयार कर सकती हैं। इस तरीके का योग डाल के भी आप ट्राई कर सकती हैं, या फिर इस तरीके का नॉर्मल सा नेकलाइन वी के शेप का डाल के आप एक ही तरह एक ही जगह पे पोटली बटन की डिटेलिंग दें एक ही नेक का जगह पे, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके के जो है सिंपल नेकलाइंस को भी बहुत स्टाइलिश बनाएगा आपका पोटली बटन्स। आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके का अंगरखा इंस्पायर्ड नेकलाइन ये है, इसमें भी आप पोटली बटन्स का जो है एडिशन ट्राई कर सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।